क्राइस्ट की आत्मा और परमात्मा को मिला होता है और आप म्यूजिक से जुड़ गए, तो ये मान लीजिए भगवान से जुड़ता है। और दूसरा, हेल्थ में खुश रहने के लिए संगीत से अगर इंसान जुड़ जाए तो कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मेरे को डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर था, लेकिन पिछले 5-7 साल से मेरे को मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज़ मेरे को कब हुई और कब चली गई, ब्लड प्रेशर कब हुआ और कब चला। 2-2.5 साल तो कोरोना ने ले लिए, ये सबके लिए पूरा वर्ल्ड इससे प्रताड़ित रहा, हम भी प्रताड़ित थे। आप निकलना चाहो तो निकल नहीं पा सकते थे, आप शो करना चाहो तो परमिशन नहीं थी। आज सरकार ने शो करने की परमिशन दी कि मैं किसी भी शो में किसी भी व्यक्ति से पैसे नहीं लेता हूँ और ना होटलिंग लेता हूँ, ना व्हीकल लेता हूँ, ना आने जाने की फ्लाइट की टिकट लेता हूँ। ये मेरा शौकिया काम है, मैं शौक पूरा कर रहा हूँ, इसी में मेरे को खुशी मिलती है। हेमंत गंगानी जी, क्योंकि मेरे को संगीत की देवन से शिक्षा दी है, हमारे भाई साहब हैं, ये भी संगीत में बरसों से जुड़े हुए हैं और संगीत में खुश रहती दुनिया ही है, लेकिन इसका वही जान सकता है जिसको सच्चा गुरु मिले, ईमानदार गुरु मिले। और जो सुर राग ताल ढंग से सिखा सके तो ही ये मेडिसिन का काम करता है, नहीं तो माशाल्लाह मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मेरे को तो सच्चा गुरु मिला है, मैं सिखाऊँ। गलत का क्या हो सकता है ये तो सोच सकते हैं, मेरे गुरु जी बता सकते हैं, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि मेरे को सच्चा गुरु, अच्छे गुरु हेमन भैया भी मेरे को सिखाते, भवदी जयपुर वाला साहब भी सिखाते, भाई साहब भी संगीत से बरसों के साथ जुड़े हुए, नितिन शंकर नाम है इनका, ये भी बड़े बड़े ग्रुपों के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े शो करते हैं, ये हमारी खुशनसीबी। टाइपू ने बिजनेस के संगीत के लिए आप समय कैसे निकाल लेते हो, जो इंदौर में आपका स्टूडियो है, और दूसरी बात कि जो आपके पेरेंट्स को थे पद्मभूषण उस्ताद गुलाम अली साहब, भवदीप जी आपने सबसे इनसे सीखा, तो ये सीखने के लिए जो समय, रियाज भी करना, सीखना भी, प्रस्तुति भी देना, कितनी चुनौती आपकी? काम चोरी करो तो समय नहीं आता, काम में ईमानदारी से करते रहो सब कुछ समय निकलेगा। आज संगीत के लिए भी निकलेगा, फैमिली के लिए भी निकलेगा, व्यापार व्यवसाय के लिए भी निकलेगा। कोई भी जो काम चोर होता है ना, उससे पूछो कैसे हो, क्या चल रहा है, बोले बहुत बिजी हो, ये काम चोरी की निशानी है। और सही व्यक्ति कि हाँ भाई साहब टाइम निकालते हैं, वो निकालना ही चाहिए। संगीत में समय निकालोगे तो ही तो हेल्दी रहोगे, हेल्दी अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है तो फिर बचा क्या जीवन के अंदर, सब पैसा बेकार है। अच्छा, आपके एल्बम भी आ रहे हैं? हाँ, एक एल्बम आ रहा है 6 गानों का, जल्दी नहीं, उसमें अलग अलग ट्रैक पे प्यार के गीत हैं, सूफी है, अलग अलग पंजाबी है, एक आध गाना बिहारी है, इस तरीके से अलग अलग 6 गाने, 6 जल्दी हम 1-2 महीने के अंदर वो एल्बम ही लॉन्च कर देंगे। भवदीप जी, आपकी जो संगीत की शिक्षा किशोर जी को किस तरह से थोड़ा आपके ज्ञान में? किशोर भाई बहुत मेहनती हैं और बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, ये फिर भी गाने वो ऐसा है कि ये गाने के लिए सुबह 4 बजे उठकर रियाज करते हैं, जो आज की तारीख में बहुत कम लोग शायद कर पाए। सुबह 4 बजे उठकर ये रियाज करते हैं और जो रास्ता इनको मैंने बताया है और उस रास्ते पर ये बिल्कुल लगातार रियाज करते रहे। अभी बीच में 2-2.5 साल से कोविड का टाइम था, तो मिलना जुलना थोड़ा मुश्किल था, और ऑनलाइन में बहुत सारे इन्वाइंसेस रह जाते हैं, तो ऑनलाइन में बहुत कुछ नहीं सीखा जा सकता, लेकिन फिर भी हमने अपना रियाज जो है वो जारी रखा। और रियाज करवाते हैं तो हेमंत भी सिखाते हैं और हेमंत के साथ इंदौर ही रहते हैं, तो टाइम मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने टाइम मैनेज किया है, रियाज करते हैं और स्टेज पर बड़े दबंग तरीके से गाते हैं, जो आप लोगों ने अभी सुना ही नहीं होगा। और इनका जो प्रेम है संगीत का वो बहुत बड़ा विलक्षण है, और ऐसा प्रेम बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। अब अपने बिजनेस की तरफ बिल्कुल भी समर्पित नहीं है, तो वे पूरी तरह से गाने पर ही समर्पित हैं और गाने को ही अपना पूरा समय देते हैं, और यानी अपना भूख प्यास सब कुछ भूल जाते हैं रियाज के पीछे।
और लगभग को मैंने जो जो दिया है रियाज का जो एक पूरा पैटर्न, उसमें करीब 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे का रियाज होते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोगों की इतनी शिद्दत से और इतनी मेहनत से रियाज कर पाते। हेमंत जी, इंदौर में जो स्टूडियो है जी, रोज 10 गाने रिकॉर्ड होते हैं और उसका दूसरे दिन वीडियो बनता है जी, यूट्यूब आपका बहुत लोकप्रिय है, नई नई स्थापित गायिका है, तो वो किस तरह से रोज 10 गाने रिकॉर्डिंग और वीडियो बनना? इनका ट्रैक हम रोज बनाते हैं और ये पूरा टाइम देते हैं और नई नई सिंगर आती है हमारे, बॉम्बे से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हर शहर से आते हैं और हर गाना रोज एक एक गाना हम रिलीज़ करते हैं। और किशोर भाई पिछले 5 सालों से लॉकडाउन में भी रिलीज़ किया गया तो ऐसा कभी एक ब्रेक भी नहीं हुआ है, इतने संगीत प्रेमी हैं और सबको चाहने वाले हैं संगीत को, तो इन्हीं की मेहनत है, हम तो इनको एक सपोर्ट करते हैं और बिजनेस के साथ साथ ये पूरा ध्यान संगीत में भी देते हैं। और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब ये रियाज नहीं करते हैं और ऐसा कभी दिन आया नहीं कि वो गाना रिलीज़ नहीं हुआ। अच्छा गाते हैं लेकिन सुखल भाई ने मुझे अच्छा लगा कि वो अच्छा तो ठीक है लेकिन वो सच्चा गाते हैं, जो गाते हैं वो दिल से, ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से वो दिल से गाते हैं और म्यूजिक की तरह, मतलब म्यूजिक की तरफ उनका जो पैशन है वो देख के मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि वहाँ से इतने दूर से यहाँ बॉम्बे आके इतने लोगों को एंटरटेन करना, इतने लोगों को, मतलब ये म्यूजिशियंस के लिए, हमारे सिंगर्स के लिए एक बोलते हैं ना, एक अन्नदाता का काम कर रहे हैं ये। सुबह हम लोग इनके पास जाते हैं, ये बुलाते हैं हमें, वहाँ पे ये रियाज करते हैं, फिर गाने का हम उनके साथ बैठते हैं और फिर आज गाना ये रिलीज़ हो रहा है, आज ये रिलीज़ करते हैं। वहाँ के म्यूजिशियन हैं तो हमारे साथ ही रहते हैं पिछले 5 सालों से और हर गाना एक एक हम रिलीज़ करते हैं और इनका पैशन तो इतना है कि ये हमेशा गाने में ही रहते हैं और साथ साथ बिजनेस भी संभालते हैं और टाइम देना इनसे सीखना चाहिए, म्यूजिक को कैसे टाइम देते हैं। तो ये इनका एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सीखते वक्त एकदम बच्चे की तरह बन जाते हैं, जैसे बालक सीखता है वैसे सीखते हैं और बड़े यानी एक चीज़ को छोड़ते नहीं है, कोई चीज़ अगर बताई है उस पलटे को बस करते रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और वही चीज़ है। इस वजह से आज क्या इस मकान में पहुँचे, स्टेज पर इतनी देर तक 4 घंटे लगातार गा सकते, देखिए साधना पूजा करते जाओ, फल की चिंता नहीं करना चाहिए और जिसने फल की चिंता करी वो आगे बढ़ नहीं सकता, बस करते जाओ बढ़ते जाओ, बाकी जो मालिक करेगा वो मंजूर है और सबको मंजूर होता है। माँ मेरी गुरु माँ है, मैं बरसों से उनके साथ जुड़ा हूँ, मेरे उनके प्रति श्रद्धा है, मैं दिल से देवी माँ है मेरी, मैं सब कुछ मानता हूँ और बरसों से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी कोई सुख दुख होता है एक बार पूछ लेता हूँ, मेरा सुख दुख अपने आप दूर हो जाता है। अखियां खोज रही है पिया, परदेसी अखियां आए न बाल। किशोर वाधवानी जी जो है इतने अच्छे सोशल वर्कर हैं और संगीत की बहुत प्रेमी है और जितने भी संगीत गायन वादन में जितने लोग हैं सब बहुत प्यार करते हैं और ये संगीत की गुजारी बोल सकते हैं और इस वेरी ग्रेट बिजनेसमैन। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं इस प्रोग्राम का एक पार्ट बनी हूँ, सो थैंक यू किशोर जी एंड पूरी टीम, सबको बहुत। सो गाइस अभी मैं अपना एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ जो प्लैनेट एंड प्रोडक्शन से रिलीज है। दिल तोड़ रहा ही था तो दिल से लग
गाना गाना इतना आसान नहीं है। एज ए बिजनेस मैन होने के बाद भी उन्होंने अपने लिए अपने आर्ट को साथ में जिंदा रखना है, और वो आर्ट जिंदा रखना ये अपने आप में खूबी है, क्योंकि उनके पास दो तरह का टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने आर्ट जिंदा रखते हुए बहुत सारे आर्टिस्टों की रोजगारी बनाई है। आज कोरोना के बाद उनके पास काम नहीं है, सो मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने साथ साथ लोगों का भी मान रखा है और लोगों को रोजगारी देने का ये काम शुरू कर दिया है। इस शो के बाद उनके काफ़ी सारे शोज होने वाले हैं।